हाय गाइस, आज बहुत मज़ेदार दिन है क्योंकि आज मैं एक ऐसे बंदे से, ऐसे शख्स से मिला हूँ जो एक्चुअली दिल का राजा है और शायद जिसके लिए हिंदुस्तान मतलब सबसे ऊपर है, माँ बाप से ऊपर, और ये धरती जो है वो सबसे ऊपर है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक तो आप सब जानते हो, रफ़ी भाई, इट्स सो लवली टू हैव यू हेयर। सेम है भाई, बस थैंक्स भाई। और जो आप बातें बोलते हो, जो जिगरा, या आई मीन बंदे में जान डाल देते हो, मुर्दे में जान डालने वाला बंदा है ये। तो भाइयों, ये मेरे भाई हैं, और ये देखो बाबा जी, भगत सिंह जी, इन्होंने मेनू शर्ट भी गिफ्ट की है। और थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर बीइंग अरे हियर। और ऑलवेज ये आपने मुझे सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया है, मैं टैटू खुदवाने जा रहा था यहाँ पे भगत सिंह जी का, हाँ, 10 years में और आज नहीं तो कल खुदवाऊंगा तो बिल्कुल जरूर, बिल्कुल क्योंकि नाले करेंगे, नाल करेंगे दोनों बिल्कुल दोनों नाल वैसे तो करेंगे। दिल में है, बस बस वैसे बस, दिल में क्या है, बात बट क्या बात, यहाँ भी है। करेंगे भाई सब। और ये आए हैं आज, और यू ऑल नो ये कौन है, और ये एक ऐसा बंदा है जो हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। कुछ लाइनें हैं जो मैं चाहूँगा कि पाजी, जो आपने अभी मुझे बताई जी है, जी जी सुनाई जी है, एक बार जरा पूरे हिंदुस्तान को सुना दें, वो क्या है क्या। सब तो बोलो सारिया नु सत श्रीकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं कुछ बड़ा काम नहीं करता हूं, मुझ पर कर्ज है, मेरी रूह पर ये कर्ज है क्या बात है, कि मैं उसको चुकाऊं। यही है ना, लोग गर्जमंद हैं सब अपना अपना हिसाब करने के लिए, मैं इस बात के लिए गर्जमंद हूं कि मेरा वतन आगे बढ़े कैसे। तो लाइन ये है, सरफरोशी जो ओरिजिनल लिखी गई थी वो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये कि रहबरे राहे मोहब्बत, रहना जाना राह में, लज्जते सहरा नबर्दी, दूर ये मंजिल में है, आज मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, अब भला शौके शहादत भी किसी के दिल में है, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, अरे देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे हमारे दिल दिल में में है, है, देखना है जोर कितना बाजुए बाजुए कातिल कातिल में में है। है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर में, हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम, अरे जिंदगी खुद अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे हमारे दिल दिल में में है, है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, न चाहूं मान दुनिया में न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही बापा, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना, बस अगर 1 लाख बार भी हो मेरा और इनका जन्म तो सिर्फ वो भारत में ही आना, सिर्फ वो क्या भारत बात में है, ही क्या आना। बात है, दोस्तों, हम सब पर कर्ज है, हमारी रूहों पर ये रकम है। और भगत सिंह साहब की वही लाइन है आखिरी की, वो जदों उन्होंने तो पूछ रहे सी कि ओए भगत तुहाड़ी ते लश नू भी कट देंगे, तो मैं हुणे पाजी नू दस्सिया सी, गल कर रहे सी उस तो ही कि मरकर भी ना जाएगी वतन की उल्फत, और मिट्टी से भी मेरी खुशबू है वतन आएगी, आप हमारी लाश हमारे शरीर को। और दो चीज जितने भी फैंस ना, इनके ऊपर भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, हमारे ऊपर भी होती रहती है, एक बड़ा सिंपल से याद रखना, बहुत अच्छी चीजें जिंदगी में काम आएगी, कि बात यह बड़ी नहीं है कि इल्जाम लगा हो, बात बड़ी है लगाया किसने, क्या उसने मुझसे ज्यादा वतन से मोहब्बत की है, या क्या उसने ज्यादा मुझसे वतन के लिए काम किया है, और अगर उसने मुझसे ज्यादा किया है तो तेरा इल्जाम भी सराखों पर। तो यार दोस्त, ऐसा है कि ये जो होता है ना क्या विरोध, बात है, आपके बारे में गलत कहेंगे तो इनके लिए बस एक लाइन है कि सुनो बे, तुम जैसे लल्ला, तुम जैसों की धमकियों से हम लोग डर गए होते तो कमबख्तों हम तो बचपन में ही मर गए होते। क्या बात है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल बहुत आए और बहुत गए, हमसे तुम सबको छीन सकते हो, दो चीजें नहीं, पहला मेरा हिंदुस्तानी होने का अभिमान, और दूसरा मेरे माँ बाप की दुआएं और परवरिश। क्या तो बात, इसलिए दोस्तों, कोशिश करना वतन से मोहब्बत करना, और बूढ़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, बूढ़ों की बहुत जरूरत है, अभी दिवाली आ रही है यार, उन गरीबों के बारे में सोचना जिनके शायद दिए खरीदने से आपके कुछ उनको 500-100 रुपए देने से ना उनके घर में भी रोशनी होगी। तो कोशिश करना मेरे यारों कि हर घर में दिवाली मने, क्योंकि तुम पर और हम पे इस मिट्टी का बहुत बड़ा कर्ज है, चुकाने की तो मेरे जैसों की तो औकात नहीं है, 1 लाख बार जन्म में नहीं चुकेगा, लेकिन आखिरी में यही है, सबके लिए मैसेज है
कि दोस्त बूढ़ों की बहुत इज्जत करना, क्योंकि बूढ़ों को आजकल मैं देख रहा हूं निगलेक्ट कर रहे हैं लोग, और ये टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए सिपाहियों की इज्जत करो क्योंकि उनके कारण है यहां पर हम। और दूसरा बूढ़ों की क्यों करो, बूढ़ों की इज्जत और बहनों की भी करो, बूढ़ों की इज्जत। वरना याद रखो शादी में पगड़ी कौन बांधेगा, और बहनों के लिए जो करते बने करना यारों, वरना याद रखना कलाइयों पर राखी कौन बांधेगा। सो गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल, जय हिंद, ख्याल रखिए। एंड भाई थैंक यू वेरी मच, आज मौका मिला सी और मजा इतना आता है आप, मतलब मैंने कहा ना कि मुर्दे में जान डाल देते हो, तो इट्स अ प्लेजर की, और ऐसे बंदों को मिलना ना ये सौभाग्य होता है, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले हैं। और मैंने आपके बड़ी बार सुना है आपको बोलते हो, आप ना बड़े दिल से बोलते हो, और बड़े और सिर्फ बोलते नहीं हो, ये ऐसा जिगरे वाला बंदा है, ये बस ये सिर्फ डरता है तो ये रब से ही डरता है, और किससे डरता है, और डरना भी नहीं चाहिए। इस वतन के लिए सबसे आगे खड़े होने वाले बंदे में से ये सबसे आगे खड़े होगा। थैंक यू भाई, कुछ नहीं। और आई सैल्यूट योर भक्ति, देशभक्ति, और जितने भी हमारे भाई बहन सारे जितने देख रहे हैं भाइयों, अगर हम थोड़ा बहुत भी इनसे सीख लें तो आई थिंक हम अपनी कंट्री को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। और ऐसी सोच रखना अपने आप में जो है वो जीत है, वो जीत का जज्बा जो है वो इनमें था, जो ऑब्वियसली इतने आपने काम किए, कमांडोस को ट्रेन किया है, मतलब कमाल है यार, कमाल है, कोशिश कर, यू नो हैट्स ऑफ, यू नो क्या क्या सीखने को मिले आज मेनू, क्या क्या मैं आई मीन दोबारा सीखा भाई, हमेशा ही सीखता हूं, बहुत मजा है, बहुत मजा है। ऐसे लाइक वाइज जो कहते हैं ना, लाइक माइंडेड बंदे हैं, थोड़ा सा सनका हुआ मैं भी, और संख्या दी लाइन सुनो, संख्या दी लाइन, जिस जो भी आदमी घर से बाहर निकलता है, खेलता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, वो बराबर होता है, पहली चीज। दूसरा मैं हमेशा कहता हूं कि ये पुरानी लाइन बिस्मिल साहब की, आजाद जी की है, कि जिस्म पर लगे जो घाव है वो फूलों के गुच्छे हैं, और रहने दे हमें पागल, हम पागल ही अच्छे हैं। है। दूसरा इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, और रहने दे हमें पागल, हम पागल ही अच्छे हैं। हम अपनी पागलपन से ही बहुत खुश हैं, क्योंकि इस वतन में जब जब किसी ने कोशिश की है बदलाव लाने की, मैं कहता हूं बड़ा सिंपल सा है, भारत में संविधान बदलना चाहिए। क्यों? बलात्कारियों का सीधे लिंग काटो बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा, इस भारत में 1.5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करना पड़ेगी, और उसके साथ हर बंदे को स्पोर्ट्स अगर ना खेले भगाओ, क्योंकि आलसियों का जिंदगी में कुछ नहीं होता है, लहू और पसीना बहाना पड़ता है बुलंदी पाने के लिए। तकदीर और शरीर याद रखना, घर में बैठे बैठे एसी में नहीं बनता, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, लहू बहाना पड़ता है। क्या बात है पाजी, क्या बात, सुपर क्या बात। दोस्तों जय हिंद, सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारक, और इससे बढ़िया दिवाली मेरे लिए नहीं हो सकती थी कि मैं इनसे मिला हूं, और किस उससे मिला हूं कि वाह मेरी किस्मत अच्छी थी मैं इनसे मिला हूं। और पाजी अब मैं आपका पीछा छोड़ने नहीं वाला, जहां जहां जाओगे मैं वहां वहां आऊंगा, और ऑब्वियसली आई वुड लव टू गेट ट्रेन्ड विद यू, और यू नो स्ट्रॉन्ग बंदा जो होता है ना वो कुछ भी जीत सकता है, जैसे आपने कहा है, तो उसके खून पसीना बहाना वो हमें आता है, और बस थोड़ी सी गाइडेंस और मिल जाएगी तो और बेटर हो जाएंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर, लॉट्स ऑफ लव भाइयों, सबको जय हिंद। एक बार सारे जय हिंद लगा दो, सारे जने जय हिंद कर दो, लिख दो सारे जने, ते बाबा मेहर करे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, भगत सिंह जी नु याद रखो दिवाली वाले दिन, ते मौज लो, सत श्री अकाल सारियां नू, साजिकाल जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बूढ़ों की इज्जत करो, महिलाओं की इज्जत करो, किसानों की इज्जत करो, और आखिरी में जाते हुए सुन लो, न मेरी नींद को तकलीफ मंदिर की घंटियों से है, न मस्जिद की अजान से है, मेरी नींद को तकलीफ सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे कटते हुए सरों से, और खेत में मरते हुए किसान से है। तो उनकी भी जिम्मेदारी लीजिए, कोशिश कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद गाइस।